दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे जेड पाम को टुलू पाम की तरह कैसे चलाया जा सकता है। यह है अपना जेड पाम और हमने लिया है एक सॉकेट और एक पाइप का टुकड़ा, और यह है हम लोग को कुएं में डालने के लिए पाइप जो 25 फीट है लंबा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको YouTube में जेड पाम की वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का आसान सा तरीका आपको किसने नहीं दिखाया होगा। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, आइए देखते हैं। आप इस मोटर से 100 फीट के ऊपर तक भी पानी लेके जा सकते हो, मतलब आप अपने घर में टैंकी बना के भी रख सकते हो। जेट पाम है, बहुत ज़बरदस्त वाली पाम है, आपको कंप्रेस भी मिल जाएगा। मैंने ये ख़रीदा ओएलएक्स से, जो सेकेंड हैंड सामान मिलता है और नया भी मिलता है, आपको दोनों मिल जाता है, पुराना और नया दोनों सामान मिल जाता है। जो मैंने ये पुराना वाला ख़रीदा है जेट पाम 1 स्पीकर। आपको सीटिंग को इस तरह से करना है और इसमें बीच में एक बॉल फल लगेगा। हम इसको अच्छी तरह से बांध लेते हैं ताकि इसमें हवा ना ले ले। मोटर चालू होने के बाद वहाँ से हवा ले सकता है धीरे धीरे करके, तो हम इसको ट्यूब से अच्छी तरह से बांध लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर जो हवा है उसको निकालने के लिए। अभी हम इसको देखेंगे इसका प्रेशर कितना आता है, मोटर का प्रेशर, इसको टाइट करके भी देखेंगे प्रेशर कितना आता है। अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पानी तो बहुत ज़ोर से आ रहा है। ये ऊपर का पाइप के लिए, अभी यहाँ से पानी निकलेगा, उसको धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। उसको नीचे वाला पाइप हमने पूरा बंद कर दिया है, इसको पूरा खोल दिया ऊपर का, अभी वहाँ से पानी नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहा पानी। आप पानी नीचे से भी निकाल सकते हो, आप ऊपर से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से एक साथ नहीं निकलेगा पानी, एक एक करके निकलेगा। ऊपर का बंद करने के बाद ही नीचे निकलेगा पानी। जो आपका नीचे का जो दो पाइप है, एक तो रनिंग पाइप है जो घूमता रहता है, जो ऊपर 20 में 20 वाला पाइप, ये सर्विस पाइप है, वो वाला रनिंग पाइप, वो रनिंग पाइप से भी पानी निकलता है, इससे भी निकलता है। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसको टाइट कर रहा है, ये हो गया टाइट आपका। हम इसको पूरा खोलेंगे, पूरा पानी का प्रेशर बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। तो हम लोगों ने वीडियो काट के नहीं बनाया, कंटिन्यू करके बनाया वीडियो ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और रियलिटी लगे इसमें। दोस्तों पहले मेरे पास 1/2 इंच का वो टुलू पाम था जो मैंने नया ख़रीदा था, वो ख़राब हो चुका है 3 महीने में। अभी मैंने ये पुराना वाला ख़रीदा है, सेकेंड हैंड 2000 में ख़रीदा है। अभी तो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये, अच्छा भी पानी बहुत अच्छी तरह से खींच रहा है।